नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग, राम कुमार तायल, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर का मीरापुर पहुंचने पर व्यापारियों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। राम मंदिर पंजाबी कॉलोनी में आयोजित एक व्यापारियों की बैठक की अध्यक्षता तेजपाल वर्मा और संचालन अनिंद नंदवानी ने किया। मुख्य अतिथि घनश्याम दास गर्ग और राम कुमार तायल ने व्यापारी की बैठक में कहा कि जितना व्यापारी एकजुट होगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। व्यापारी का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। जीएसटी विभाग से डरे नहीं, अपने बोर्ड पर जीएसटी नंबर जरूर लिखें। समाजसेवी अरुण शर्मा को राम कुमार तायल, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर ने जिला उपाध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया और जिला उपाध्यक्ष की घोषणा की। अरुण शर्मा के जिला उपाध्यक्ष की घोषणा होते ही व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गयी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में मुख्य बाजार में बंदरों का आतंक मचा हुआ है। पलक झपकते ही दुकानों और घरों में घुसकर बंदर सामान उठाकर ले जाते हैं। आमतौर पर रोजाना ऐसा नजारा देखने को मिलता है। बंदरों की इन हरकतों का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुख्य बाजार मीरापुर में बंदरों का आतंक है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन बंदर किसी न किसी को परेशान न करते हो। बंदरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बच्चे बाहर निकलने में घबराने लगे हैं। बंदर घर के अंदर तक घुसकर हमला बोल देते हैं। इस तरह की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। लेकिन नगर पंचायत मीरापुर के अधिशासी अधिकारी इस समस्या को इतना हल्के में ले रहे हैं कि 5 महीनों से बंदर पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में थाना अध्यक्ष रामराज सुनील कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में एसएसआई वीर नारायण सिंह और रामराज पुलिस द्वारा गांव हाशमपुर में हुई बलवा पथरावबाजी में मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष रामराज सुनील शर्मा द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत गश्त के दौरान गांव हाशमपुर पहुंचे तो देखा कि पशु चिकित्सालय गांव हाशमपुर के बाहर काफी लोग जमा है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में गाली गलौज कर लाठी डंडों में धारदार हथियारों और ईंट से पथराव कर रहे हैं। दोनों पक्षों के आपस में मारपीट व झगड़ा करने से गांव में भय व आतंक का माहौल व्याप्त हो गया और स्वयं स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास किया, परंतु इन लोगों के द्वारा लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में बाधा उत्पन्न की, जिसमें मौके से गिरफ्तार अभियुक्तगण रवि प्रधान चांदिया को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्री प्राइमरी के बच्चों द्वारा पूल पार्टी बनाई गई, जिसका आयोजन विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया। इसके लिए बच्चों को स्कूल के समीप स्थित केडी स्विमिंग पूल में ले जाया गया। यह पूल पार्टी पूर्ण रूप से शिक्षकों के निरीक्षण में कराई गई। पार्टी को लेकर बच्चों व शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस पूल पार्टी में लगभग 200 बच्चों ने पानी में गेंद के साथ खेलते हुए और डांस करते हुए पार्टी का भरपूर आनंद उठाया। पूल पार्टी के बाद विद्यालय के बच्चों को सूक्ष्म जलपान कराया गया। अंत में विद्यालय चेयरमैन पंडित सुशील शर्मा, निदेशक राजेश शर्मा और प्रधानाचार्य पुनित राजपूत ने बच्चों को विद्यालय द्वारा दिया गया कार्य पूर्ण करने, बड़ों की आज्ञा माननी और प्रतिदिन छत पर पक्षियों के लिए पानी रखने का निर्देश देते हुए कर्मियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाने के लिए प्रेरित किया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।